पिछले 3 साल में मैं एक बार भी रात को 3 बजे सनराइज देखने के लिए नहीं उठा, तो आप सोच लो आज मैं कितना एक्साइटेड हूं कि सुबह 4 बजे का टाइम है और हम सनराइज देखने के लिए रेडी हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। इस समय हम लंबा सिंगी में है, विशाखापट्टनम से लगभग ये जगह 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इतना लंबा सफर करके हम अरकू वैली गए और अरकू वैली से घूमते घूमते यहाँ कल रात में पहुंचे हैं 9:30 बजे 9:30 बजे। तो यहाँ पर मैं आया हूँ मुझे क्लाउड्स देखने के लिए, और इस समय वैसे मैं अकेले नहीं है, जो 4 बजे उठे हुए हैं वहाँ पर 4-5 लोगों की आवाज़ सुनाई मेरे को ऑलरेडी दे रही है, कुछ लोग रेडी हो रहे हैं निकलेंगे। तो अब सीन ये है कि राजू भाई हमारी गाड़ी के ड्राइवर 2 मिनट में आ जाएंगे। यहाँ से हम 1 किलोमीटर जाएंगे इस गाड़ी पे, ठीक है, उसके बाद वहाँ से चाहें तो पैदल भी 1/2 किलोमीटर जा सकते हैं और जीप भी मिल जाएगी जो 100 रुपये पर पर्सन लेगी और हमको सनराइज पॉइंट तक ले जाएगी। चलो ग्रेट है, एक काम करते हैं जब तक राजू भाई आता है थोड़ा वॉक करके ना गेट तक चलते हैं, थोड़ा वहाँ का नज़ारा भी ले लेंगे, फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे। आओ जी, लो जी मेन रोड तक आ गए। आपको जब तक राजू भाई आ रहे हैं एक दो इंटरेस्टिंग चीजें बता दो जर्नी से जुड़ी हुई। कल जब हम यहाँ पर आ रहे थे ना, हमने एक हॉल लिया था पाडेरू में, पाडेरू से यहाँ तक का जो रास्ता था बहुत ज्यादा गजब था। आई रियली विश कि हम यहाँ पर आते दिन के समय मतलब अंधेरा होने से पहले, बड़ा मजा आता, क्योंकि कुछ कुछ किलोमीटर बाद गांव आते थे और वो छोटे छोटे गांव थे, मुश्किल से 5-5 घर वाले 3-3 घर वाले, और वाकई में हम जंगल के बीच से निकलते निकलते यहाँ पे आए। पिछले 25-30 किलोमीटर दूर तक मेन जो आबादी होती है ना वो छूट चुकी थी, मतलब पाडेरू एक बड़ा टाउन आखिरी था, उसके बाद ये जगह ऑलमोस्ट खाली थी। बड़ा सही है यार। हम पार्किंग पॉइंट तक आ गए हैं, 4:30 बजे का टाइम है। आप गाड़ियां देखो यहाँ पर इस समय कितनी खड़ी हैं, ये सब गाड़ियां इधर भी और इस तरफ भी, तो इससे अंदाजा लगा लो कि इस समय यहाँ पर कितने लोग हैं, और अभी तो और गाड़ियां आएंगी। चलो आगे चलते हैं, वहां से हमको जीप मिलेगी सनराइज पॉइंट तक जाने के लिए। अभी 5:15 बजे का टाइम है, हम बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए हैं और सनराइज को है अभी 45 मिनट्स के आसपास का टाइम। चलो सही है, यहाँ तो अभी हम तो एक्सटर्नल लाइट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख पा रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पर सिर्फ जो रोशनी का सहारा है वो स्ट्रीट लाइट्स हैं जो ऊपर लगी हुई हैं, मतलब प्रॉपर गाँव बसा हुआ। और नीचे से यहाँ तक आने के लिए जो हमने डिस्टेंस तय किया है ये लगभग 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जीप में 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज दिया, मैंने देखा काफ़ी लोग पैदल भी आ रहे थे, फिर मैं बाद में सोचा कि अगर किसी ने पैदल ही आना है तो जीप वाले रास्ते से आने से तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि धूल भी उड़ती है जीप चलती है, और तो बेटर है एक और रास्ते से आओ जहाँ से पैदल आने का रास्ता 1.5 किलोमीटर है। व्यू पॉइंट जाने के लिए ना 20 रुपये पर पर्सन एंट्री टिकट है, और व्यू पॉइंट का ये नाम पढ़ो क्या लिखा हुआ है, चेरुवुलावेनम व्यू पॉइंट, थोड़ा मुश्किल है तो टिकट ले लेते हैं और आगे चलते हैं, यहाँ से 100-200 मीटर आगे जाना है। अरे गधा, ये तो रात को कैंपिंग किया इन्होंने यहाँ पर। चाय, मैगी, बिस्किट, काफी कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, और इस समय यहाँ इतने सारे लोग हैं मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना क्राउड है और लोग कितने एक्साइटेड हैं, वो मूवमेंट देखने के लिए जो नजरों से देख पाना बहुत मुश्किल होता है। गुड है, वैसे सुबह चाय पीने की बड़ी आदत है, ये है कि खाली पेट चाय नहीं पीता, बिस्किट जरूर लेता हूँ, बिना उसके मैं फिर चाय पीता ही नहीं अगर बिस्किट ना हो तो।
जिस मोमेंट का मुझे इंतजार था ना, वो मोमेंट अब यहाँ पर हम देख रहे हैं। उफ, अनबिलीवेबल। सच बताऊं, विश्वास नहीं हो रहा। नजरों से क्लाउड्स को हम अपने इतने नीचे देख रहे हैं। मैंने आज से पहले और जगह पर भी इस प्रकार से सीन देखा है। लास्ट मैंने मुक्तेश्वर में देखा था, लेकिन वो चीज अलग थी और ये चीज अलग है। बादलों को ध्यान से देखो तो हल्की हल्की मूवमेंट भी है। अब सोचो ना, लोगों में एक्साइटमेंट कितनी है कि सब लोग सुबह सुबह मोबाइल को फुल ऑन चार्ज करके आए हैं। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी फुल ऑन चल रही है। जब मैं ये टूर प्लान कर रहा था ना, उस समय मैं बहुत डबल माइंड में था। लंबा सिंगी का प्रोग्राम बनाऊं ना बनाऊं। फिर मैंने जब फोटोग्राफ्स देखी, कुछ वीडियोस देखे, तो मेरे को लगा मेरे को पक्का जाना ही जाना है। तो मैं यहाँ पर लंबा सिंगी जो आया हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ क्लाउड्स देखने के लिए आया हूँ। कुल मिला के लंबा सिंगी रॉक्स। लंबा सिंगी का विजिट हमारा बहुत बढ़िया रहा। मैं व्यू पॉइंट की बात कर रहा हूँ। वैसे लंबा सिंगी में तो हम दोपहर तक रहेंगे। अब वापस हम 100-200 मीटर चलकर इस पॉइंट तक आ गए। जीप हमें यहाँ से मिलेगी। हमारी एक्चुअली जीप नीचे खड़ी है, थोड़ा 50 मीटर आगे। वहाँ से हम जीप लेंगे, 100 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज देंगे और पहुँच जाएंगे नीचे। मेरे को भूख लग रही है, 4 बजे के उठे हुए हैं, तो पहले चल के नाश्ता करेंगे और फिर आगे की प्लानिंग करेंगे। आज का नाइट से वैसे हमारा काकीनाडा में है, तो मैं प्लान आउट कर लेता हूँ कि हम टाइम से काकीनाडा पहुँच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। नाश्ता करने के लिए मैं अपने होटल से लगभग 4 किलोमीटर दूर ताजंगी रिजर्वायर के पास आया हूँ। रिजर्वायर तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ एक ईटरीज देखी, तो हमने गाड़ी रोककर देखा, लाइव डोसा बन रहा था, इडली तैयार है, साथ में पूड़ी हो रही है इनके पास रेडी। तो सोचा यहाँ पे इडली डोसा का नाश्ता कर लें। तो 2 किस्म की इन्होंने चटनी दे दी है। अब पिछले 3-4 दिन में हमने देख लिया कि यहाँ पर ना इडली के साथ सांभर नहीं चलता। चलता भी होगा तो बहुत कम, मैक्सिमम लोग इडली चटनी ही पसंद करते हैं। अभी तक जो मैं चटनी ऐसे मेरी खा रहा था ना पिछले 3-4 दिन में, उसमें जिंजर होता था, अदरक, लेकिन इसके अंदर टमाटर और चिली, ये 2 मेन इंग्रेडिएंट है। डिफरेंट टेस्ट है और साथ में खटास के लिए बहुत सारी इमली। इडली वेरी टेस्टी, इडली हमको अच्छा लगा, गुड, वेरी गुड, वेरी टेस्टी। एक डोसा का बहुत चलन है इस एरिया में। भैया कारम पाउडर दिखा दो जरा, ये देख लो कारम पाउडर। यहाँ पर किसी को भी जाके कारम पाउडर बोलोगे ना डोसा में इडली में, तो बड़ा मस्त मतलब आपको दिखाएंगे। और साथ में इसको आप इडली के ऊपर डाल के भी खा सकते हो। भैया इसको थोड़ा यहाँ भी डाल सकता है कारम पाउडर को, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हाँ, घी भी आपके पास? घी नहीं लगता, घी नहीं होगा। वैसे इसका टेस्ट ना घी के साथ बहुत अच्छा होता है, ये मैंने पहले टेस्ट किया था इसलिए मेरे को मालूम है। इडली में थोड़ा सा ऐसा कारम पाउडर डाल लो या राइस में कारम पाउडर मिक्स कर लो घी के साथ। ओए होए, एक मस्त चीज़ निकल आती है। चलो साथ साथ हमारा वहाँ पर एक डोसा रेडी हो रहा है और साथ साथ हम अब इडली को इंजॉय करेंगे पीनट चटनी के साथ। सही है, गुड। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि यहाँ पर ना कोकोनट चटनी उतनी नहीं चलती जितनी पीनट चटनी चलती है। इसमें चना दाल डालते हैं और तड़के में कड़ी पत्ता और सरसों इस्तेमाल करते हैं। भाई ये टेस्ट तो अलग है। मैंने वैसे एक दिन पहले भी एक करम डोसा खाया था, ये चीज़ मेरे को पसंद आई और यहाँ अचानक मैंने देख लिया करम पाउडर इनके पास अवेलेबल है, मैंने कहा यही लेंगे। Thank you.
नाश्ता हमारा बहुत बढ़िया हो गया है, अब मैं अपने रिजॉर्ट जा रहा हूँ, मैं नहा लेता हूँ, फिर हम कोथपल्ली फॉल जाने का सोच रहे हैं। और वैसे हमको आज नाइट स्टे काकीनाडा कर रहा है, डायरेक्शनली अन्नावरम काकीनाडा जाने के लिए हमको राइट साइड को जाना है, कोथपल्ली फॉल जाने के लिए हमको इस साइड को एक घंटे का सफ़र करना है। रोड पे आप फॉग देख लो, अभी 9 बजे हैं, तो 9 बजे भी काफ़ी ज़्यादा धुंध है। ठीक है, चलो चलते हैं, गाड़ी हमारी सामने खड़ी है। कोथपल्ली वाटरफॉल्स के पास हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर बड़ी सी पार्किंग स्पेस बनी हुई है, चलिए फॉल्स को चलते हैं। ₹50 पर पर्सन एंट्री टिकट लेके हम अंदर आ चुके हैं। वाटरफॉल को विजिट करने की टाइमिंग्स है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। ये देख लीजिए फर्स्ट व्यू ऑफ वाटरफॉल, इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है जहाँ हम खड़े हैं ना इधर, फिर नीचे से पानी जाता है वहां पर, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप पानी नीचे जा रहा है। देखिए वाटरफॉल के पास लोग अलग अलग तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग तो फॉल के पास बैठे हुए हैं और ठंडी हवा का आनंद उठा रहे हैं, कुछ लोग मैंने देखा वहां पर बड़ी सी चट्टान है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, पानी का जब प्रेशर आ रहा है तो उनको अच्छा लग रहा है, पानी का प्रेशर जब उनको हिट कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखो ये छोटा सा पॉन्ड सा बना हुआ, एक वाटर पूल बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर बच्चे भी उतरे हुए हैं, बड़े भी साथ हैं, और ज्यादा इसकी हाइट नहीं है, मुश्किल से 2.5 या 3 फीट है, तो यहाँ भी लोग इंजॉय कर रहे हैं। सही है, मतलब ये एक डिफरेंट मॉडल ऑफ वाटरफॉल है, आमतौर पर इस प्रकार के वाटरफॉल देखने को नहीं मिलते, मतलब मिलते हैं मैंने कम देखे हैं, लेकिन ये मॉडल इंटरेस्टिंग है। और ये काफ़ी लंबा सा एरिया है, वहाँ से हम देखते आ रहे हैं पानी नीचे आ रहा है, और यहाँ पर देखो इधर चलते चलते ये चट्टानों से टकराते टकराते वो आगे जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरते जा रहा है। मन तो मेरा हो रहा है मैं भी वाटरफॉल में नहा लूँ, लेकिन अगर मैं नहाने लग गया ना तो 1-2 घंटे का समय कहाँ निकल जाएगा मालूम भी नहीं चलेगा, तो बेटर रहेगा 15-20 मिनट में यहाँ पे घूमूँ, किसी चट्टान किनारे बैठ जाऊँ और इंजॉय कर कर फिर हम यहाँ से लंबा सिंगी को निकले। लंबा सिंगी से नरसीपट्टनम पहुंचने में हमें लगभग 1 घंटे का टाइम लगा है। नरसीपट्टनम हम पहुंच चुके हैं, मार्केट आप देख लो कैसी लग रही है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ दुकानें हैं। हम यहाँ पर उडुपी होटल में लंच कर रहे हैं, तो मैंने ना 2 चीज़ मंगाई है अपने लिए यहाँ पे, परोठा जो कि मैदे से बनता है, चना की सब्जी, आलू की सब्जी, साथ में दही बड़ा। आलू की सब्जी का बहुत डिफरेंट फ्लेवर है, हरी मिर्च कड़ी पत्ता धनिया का ज़्यादा इस्तेमाल किया उसकी वजह से टेस्ट में फ़र्क आ गया। यहाँ पर ना ये जो परोठा हम खा रहे हैं ना, एक्चुअली परोठा नहीं बोलते, परोठा बोलते हैं PARROTTA, ये केरला में बहुत चलता है, मेरे को आज भी याद है मैं केरला गया था तो मैंने जगह जगह इस प्रकार का परोठा खाया था जो मैदे से बनता है और अलग अलग कॉम्बिनेशन में वहाँ पर सर्व करते हैं। वैसे ना मुझे लग रहा है इसका कॉम्बिनेशन आलू की सब्जी के साथ ठीक है, लेकिन चने के साथ बहुत शानदार है। सही है, गुड टेस्ट। अब साथ साथ दही बड़ा भी टेस्ट कर लेते हैं और फिर आराम से इसको फिनिश करेंगे। दही बड़ा को हम दही भल्ला ऐसा बोलते हैं और उसके अंदर बड़े सारे चाट वगैरह चाट आइटम्स होती हैं जैसे चटनियाँ होती हैं ना, यहाँ पर जो दही बड़ा है
वो एज अ चार्ट आइटम नहीं खाया जाता, लेकिन नाश्ता के तौर पे लोग दही बड़ा खाते हैं। जैसे हमने नाश्ता करते करते साथ में दही बड़ा ले लिया। ओवरऑल फूड यहाँ पे अच्छा है, मेरे को ये होटल पसंद आया। इस समय सवा पाँच बजे का टाइम, आप देखो चहल पहल रेस्टोरेंट में कितनी है। अन्नावरम में है। मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि मैं अन्नावरम शाम को 5:45 बजे तक पहुंच जाऊंगा और आज का राइड से काकीनाड़ा में करूंगा। काकीनाड़ा यहाँ से 1 घंटे के डिस्टेंस पर है, लेकिन हुआ क्या है कि अभी हम 8:10 पे पहुंचे हैं अन्नावरम। 8:30 बजे टेम्पल क्लोज हो जाता है। सामने का जो गेट है ना, यहाँ से टेम्पल को जाते हैं, और अभी क्योंकि टाइम नहीं है टेम्पल विजिट करने को, तो बेटर है हम रात को यहीं पर रुक जाएं। कल मॉर्निंग में अन्नावरम टेम्पल विजिट करें, फिर हम काकीनाड़ा को जाएं। ऐसा हमने अपना प्रोग्राम को रिवाइज कर दिया। अभी क्योंकि एकदम से लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज हुआ था, मैंने रैंडम एक होटल देखा साल रेजिडेंसी के नाम का, जिसके बाहर अभी मैं खड़ा हूँ। हम आज रात को यहीं पे रुक रहे हैं, तो मैंने रूम ऊपर जाके देख लिया है। 2000 रुपीज़ में डबल ऑक्यूपेंसी रूम इन्होंने हमको दिया है। तो आज का ये हमारा एपिसोड यहीं पे फिनिश हो रहा है, राइट। कल का प्रोग्राम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेम्पल विजिट, काकीनाड़ा, और कल का नाइट से मोस्ट प्रोबेबली हम काकीनाड़ा में करेंगे। चलो आपको मैं अभी यहीं पे बाय बाय कर देता हूँ, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम। ये बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, और ये इतना सा एरिया नहीं है, ये कम से कम 2-3 किलोमीटर का एरिया है। ऐसी चट्टाने रोड साइड पड़ी हुई हैं, और पानी की लहरें टकरा रही हैं, हवा तेज चल रही है। दिल खुश हो गया।